पार्टी के बारे में जो लोग बोलते हैं, बीजेपी हमेशा लास्ट राउंड में आगे बढ़ती है, और अब की बार देख रहे हो आप, दो महीने से कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। चुनाव की कोई भी फील्ड हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी के कारण कितने भाई बहनों को अपनी छत मिली, घर मिले, जो आप समझते हैं कि वो आने वाले समय में आपको क्या है? मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूँ, और ये शुरू से ही मेरे से पहले मेरे पिताश्री के साथ इन्होंने काम किया है। आज मेरे साथ भी, मेरा सौभाग्य भी है कि बाहुजर के बीच में आया हूँ, और मेरा बेटा भी अभी के साथ काम कर रहा है। तो हमारी तीन पीढ़ियाँ, और मैं जितने भी चेहरे हैं, कई तो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टी के लिए इतना काम किया है कि हम सोच भी नहीं सकते, और उनके कारण ही आज ये पार्टी प्रदेश में आई, और हर फील्ड में वो, उनकी कहीं भी जिम्मेवारी लगी तो सब फील्ड में वो बहुत अच्छा रहे। मुकेश जी, रात 10 बज चुके हैं और व्यापारियों में इस प्रकार आज अभी भी उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको क्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, परिवार के लोगों का यही तो फायदा होता है अपने परिवार में आने के लिए, और ये फिर सब सच्चे मन से है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा इन्होंने दिल से की है, ये राष्ट्रभक्त है। व्यापारी हमेशा राष्ट्र के प्रति सोचता है, और इन सब लोगों ने अपने राष्ट्र के प्रति सोच रखा है। 12 भी बज रहे होते तो भी ऐसा ही जोश मिलता, लेकिन ये है कि सब लोग एक परिवार की तरह, एक संगठन जो राष्ट्र के प्रति सोचता है, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में समर्पित है। ये सब लोग मोदी जी के परिवार के प्रति समर्पित है, मोदी जी के लिए खुद समर्पित है। ये जो चुनाव है अब की बार, हरियाणा का जो चुनाव है वो अब की बार राष्ट्र समर्पित है, क्योंकि हमें लगता है कि वास्तव में ही हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हमारे सभी जो भी हमारे देवतुल्य परिवार के लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग बिल्कुल परिवार की तरह जुड़े हुए इस कार्य में। मुकेश जी, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके से लोगों में उत्साह और समर्थन देखने को मिल रहा है आपके प्रति? हमेशा बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, और यही चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज हमारी विधानसभा की भी मीटिंग थी जी, उसमें सब लोग थे। अब भी हमारे जो काउंसलर साहब है, इधर दलीप जी, इधर सुभाष जी, जब ये लगाओ के चलो कि ये प्रतिनिधि जो बना रखे, आज भी काउंसलर हैं, और इन्होंने समाज के लिए काम किया है जी, इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह प्रेम देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि वास्तव में ही इतना संघर्ष जो पार्टी के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फील्ड हो, चुनाव की कोई भी फील्ड हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुकेश जी, लेकिन विपक्ष का कहना है इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने देखा होगा, 2-3 महीने से पार्टी के बारे में जो लोग बोलते हैं, बीजेपी हमेशा लास्ट राउंड में आगे बढ़ती है, और अब की बार देख रहे हो आप, 2 महीने से कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस ने हमारे यहाँ पर जो पहले 14 से पहले जो राज किया, उस टाइम खर्ची पर्ची, लोगों की जमीन वैसे ही क्वारमेंट कर देनी, व्यापारियों से मंथली लेना, ये सारी चीजें चलती थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में कोई आदमी ये नहीं कह सकता, ना कोई व्यापारी ना कोई लोग, कि यहाँ पर ऐसा कोई माहौल बना। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलना चाहता हूँ, ये पार्टी हमेशा व्यापारियों के बारे में भी सोचती है, और जो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा है उसके बारे में भी सोचती है। आज देखो, इस समय में भी कितने घर मोदी जी के कारण, कितने भाई बहनों को अपनी छत मिली, घर मिले, और उसके बावजूद हम तो यहाँ पर हरियाणा की बात सुने, हरियाणा में तो बहुत पहले ही गैस अगर आ गई थी अग्नि, लेकिन आप वहां देखो पूरे आसाम बंगाल सब में कार्यक्रम।